खबर, राजेंद्र नगर हादसे पर सियासत गरमाई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। एनसीडी की जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनसीडी ने ए को भी सस्पेंड किया है, तो एनसीडी की तरफ से अब जाकर के एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, उन पर पानियों की बौछार की गई है। तो आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाद दरअसल बीजेपी का ये प्रदर्शन जारी है। अलग अलग छात्र संगठन भी इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर का ये मंजर आप देखिए, जहां पर जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई है। फिलहाल एनसीडी के जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। एनसीडी ने एई को भी इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी का जबरदस्त प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया था कि प्रदर्शन किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर के, जहां पर संसद में भी आवाज उठाई गई है, जोर जोर से इसका विरोध किया गया। लेकिन अब ये सड़क पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ बुलडोजर वाला एक्शन एमसीडी की तरफ से लिया गया है, और साथ ही कई जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके बैरिकेटिंग के पास इन सभी को रोकने की कोशिश करते हुए पानी की बौछार की है। सबको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, बुलडोजर से एक्शन कोचिंग सेंटर के बाहर लिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ बुलडोजर वाली कार्रवाई कोचिंग सेंटर पर हो रही है। और इन सब के बीच एमसीडी के जूनियर इंजीनियर जो है उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। एमसीडी ने एई को भी सस्पेंड कर दिया है। तो संसद के अंदर भी आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि कैसे ये छात्रों की मौत का जो मुद्दा है वो जोर शोर से गूंज रहा था। पहले ही बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के विरोध कर रही थी, और अब देखिए क्यों वक्त रहते ये जो सुविधा है वो नहीं थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तीन छात्रों की मौत हुई है, उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, ऐसी मांग जो छात्र हैं उनके परिवार वाले भी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है। जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे उन्होंने भी कहा था कि कई बार हमने कंप्लेन की है लेकिन वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया। और अब देखिए बुलडोजर वाला एक्शन अब लिया जा रहा है जब तीन स्टूडेंट्स की जान चली गई।